हाय गाइस, हम आज फिर से आ गए हैं एक धमाकेदार वीडियो लेकर, जहां पर हम छोटे छोटे इंस्ट्रूमेंट लेकर हमारा होममेड एम्पलीफायर बनाएंगे। कैसे कैसे होगा वो एम्पलीफायर? छोटे से ओनली 100 रुपीज, इतनी कीमत, छोटी सी कीमत, और कुछ ट्रांजिस्टर और कुछ छोटे छोटे डॉट्स और यार रजिस्टर्स लेकर हम बनाएंगे होममेड एम्पलीफायर, जो कुछ अच्छा ही होगा। तो चलो हम देखते हैं उस एम्पलीफायर कैसे बनाते हैं। तो जिस भाई लोग इस चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो दिल से एक लाइक दे देना, और नीचे वाली जो घंटी है ना उसको दबा देना, और छोटा सा प्यार सा एक कमेंट भी करना कैसा लग रहा है हमारा इस चैनल का वीडियो। ओके, हम लोग आज एम्पलीफायर बनाने जा रहे हैं। ये पहले एम्पलीफायर बनाने के लिए क्या क्या चाहिए इसका रिक्वायरमेंट देख लीजिए। पहले तो एयर मास्टर ली चाहिए, और जो हम लोग एक छोटा वाला एम्पलीफायर बनाएंगे इसके लिए ट्रांजिस्टर 2 पीस चाहिए। ट्रांजिस्टर का नंबर 2N3055 ट्रांजिस्टर 2 पीस, और वोल्टेज का रिक्वायरमेंट होगा जो DC का वोल्ट है, हम लोग का वेरिएक है, इसको वेरिएक को यूज करेंगे। इसका वोल्टेज है 12 वोल्ट वेरिएक, और इनपुट का लगाएंगे हम लोग DC सप्लाई 1 एम्पीयर का सोर्स, और उसका 1 एम्पीयर का ट्रांसफार्मर यूज हुआ है, इतना वोल्ट का 12 वोल्ट का। और हम लोग कैपेसिटर यूज करेंगे एक 36 वोल्ट 2.2 माइक्रोफैरड DC, और एक स्पीकर यूज कर रहे हूँ हम लोग 20 वाट का, और 2 रेजिस्टेंस यूज करेंगे, ये देख पा रहे हो 5K का, मतलब 5 किलो ओम का 2 रेजिस्टेंस यूज करेंगे। बाद में ये सर्किट बनाया हूँ, इसको देखिए थोड़ा, इसका ये बेस है, एमिटर, ये कलेक्टर, ये 2N3055 का ट्रांजिस्टर है, इसका बॉडी में एक कलेक्टर रहता है। बेस से होके पहले इनपुट से दिखाएंगे आप लोगों को, इनपुट का वो नेगेटिव का मतलब माइनस का डायरेक्ट एमिटर पे लग जाएगा, एमिटर पे लग के फर्स्ट वाला एमिटर से होके दूसरा वाला एमिटर पे जाएगा। इसका एमिटर का काम कंप्लीट हो गया, अभी बेस से एक रेजिस्टेंस लगाएंगे जिसको कलेक्टर में कनेक्शन होगा, ये सेम टू सेम वो दूसरा वाला ट्रांजिस्टर में भी बेस से वो रेजिस्टेंस लग के कलेक्टर में जाएगा, कलेक्टर से होके निकल के ये रेजिस्टेंस नहीं लगेगा, कलेक्टर से निकल के ये स्पीकर में जाएगा, और स्पीकर से ये डायरेक्ट वो पॉजिटिव सप्लाई में जाएगा। बाद में वो जो जेग होता है, हम लोग जो सॉन्ग इनपुट करेंगे उसको एमिटर का कनेक्शन से निकल के इधर होके ये जेग का जेग में जाएगा, और एक पॉइंट आएगा इधर बेस पॉइंट से, रेजिस्टेंस को छोड़ के बेस से आके वो कैपेसिटर होके निकल के जेग में जाएगा, जो ऑडियो इनपुट करेंगे हम लोग उस पॉइंट पे जाएगा। ये है ट्रांजिस्टर, ये देखिए नंबर थोड़ा 2N3055 का ट्रांजिस्टर, हम लोग 2 यूज करेंगे, ये एक है और ये सेम है, इसका भी नंबर देख लीजिए 2N3055, ये 2 ट्रांजिस्टर हो गया है। बाद में यूज करेंगे 2 रेजिस्टेंस यूज करेंगे, ये एक रेजिस्टेंस, ये 5K का मतलब 5 किलो ओम का, और ये भी सेम है, कलर कोडिंग भी देख सकते हैं। बाद में हम लोग एक जो कैपेसिटर इधर यूज करेंगे, एक कैपेसिटर का देखिए इसका वोल्टेज कितना है, 63 वोल्ट 2.2 माइक्रोफैरड का इतना ही, और वायर कितना चाहिए वो कनेक्ट करने का टाइम मालूम पड़ेगा, वायर ज्यादा है कोई प्रॉब्लम नहीं, चलिए प्रैक्टिकल में देखते हैं। देखिए पहले इसको एमिटर और कलेक्टर को थोड़ा सोल्डरिंग कर देंगे, क्योंकि इसको सोल्डरिंग करेंगे तो ज्वाइंट करने में आसान हो जाता है। हम लोग अभी
रेजिस्टेंस लगाएंगे बेस का साथ और कलेक्टर के साथ। ये हो गया कलेक्टर, ये हो गया बेस, ये फर्स्ट ट्रांजिस्टर का लगा रहा हूँ। अभी और एक ट्रांजिस्टर है, इसको भी लगाएंगे। ये हो गया बेस, ये बेस का चल रहा है। अभी थोड़ा सोल्डरिंग नहीं करेंगे तो ये जॉइंट करने का प्रॉब्लम होगा, इसलिए बेस में हो गया। अभी कलेक्टर में सोल्डरिंग हो गया। इसको कॉमन पाथ यूज करेंगे, कॉमन पाथ यूज करेंगे इसको अच्छे से करने के बाद। ये थोड़ा मजबूत हुआ कि नहीं देख लेंगे। अभी कॉमन पाथ यूज करेंगे इमीटर के साथ, इमीटर कनेक्शन करेंगे। ये है इमीटर का पॉइंट, आप लोग देख लिए हो वो सर्किट में। ये सोल्डरिंग करने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है, इसको थोड़ा पहले से सोल्डर करके रखना पड़ेगा, नहीं तो ये सोल्डरिंग नहीं होता। हम लोग एमीटर का साथ एमीटर का कनेक्शन कर दिया और जो पॉइंट निकलेगा उसका वो न्यूट्रल ये नेगेटिव होता है। और अभी बेस का साथ कनेक्ट करेंगे। ये बेस का साथ बेस एक कनेक्ट हो गया है और दूसरा का बेस का साथ बेस कनेक्ट चल रहा है। इसको भी थोड़ा कनेक्ट करने का प्रॉब्लम होता है, धीरे धीरे कर लेना क्योंकि ये थोड़ा प्रॉब्लम होता है। बाद में कलेक्टर का साथ कलेक्टर कनेक्ट करना है, दोनों कलेक्टर का, ये ट्रांजिस्टर का दोनों बॉडी में कनेक्शन करना। ये इसका कलेक्टर है और बेस का साथ जो बेस होता है उसका कनेक्शन वो निकाल के जाता है, कैपेसिटर में जाता है। हम लोग अभी कैपेसिटर लगाएंगे। वो कैपेसिटर आप लोग को मालूम है, वो 63 वोल्ट का 2.25 माइक्रोफैरड का, ये नेगेटिव पॉइंट में जाएगा। थोड़ा ये लगाने का थोड़ा पहले सोल्डरिंग करना पड़ेगा क्योंकि नहीं तो इसको जॉइंट करने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है। ये नेगेटिव में कनेक्ट हो गया है। बाद में इसका जो और एक साइड है वो हम लोग अभी लगाने जा रहे हैं ऑक्स लाइन, जिसको ऑडियो इनपुट का हिसाब से हम लोग यूज करते हैं। मतलब कोई फोन का कनेक्शन करके जो हम लोग गाना चलाते हैं वो एमीटर का एमीटर से निकल के एक पॉइंट जाता है एमीटर से होके, और एक कैपेसिटर का पॉजिटिव साइड से निकल के ये ऑक्स लाइन निकलता है, जो हम लोग इसको गाना चलाने के लिए मतलब फोन में जो गाना लगा डालते हैं उसको हम लोग वो आउटपुट का हिसाब से वो स्पीकर या बड़ा वाला बॉक्स में सॉन्ग सुनते हैं, उसका ऑक्स लाइन हम लोग अभी ज्वाइंट करने जा रहा है इसको, तो स्पीकर वो ऑडियो आउटपुट के लिए ये स्पीकर यूज कर रहे हैं। ये 20 वाट का स्पीकर है, इसको कनेक्शन करेंगे। ये के कलेक्टर के साथ कनेक्ट करेंगे और दूसरा और सप्लाई का पॉजिटिव पॉइंट होता है, सप्लाई का साथ डालेंगे पॉजिटिव का कलेक्टर का और सप्लाई वोल्टेज का पॉजिटिव के साथ कनेक्ट करेंगे। और रह गया अभी हम लोग कनेक्शन करने वाला है वो नेगेटिव का, नेगेटिव कनेक्शन देंगे। ये है नेगेटिव पॉइंट, इसको कनेक्शन हो गया है और एक ऑडियो चला के टेस्ट करेंगे, देखेंगे ऑडियो कैसे साउंड आता है। ऑडियो एक निकालिए, ऑडियो डाल दिया हूँ। साउंड ज्यादा नहीं है क्योंकि ये 2 ट्रांजिस्टर का, ये आप लोग सुन पा रहे हैं कि नहीं ये आप लोग को सुनाने के लिए दिख लिए थोड़ा। ये
ये 2 ट्रांजिस्टर का वो छोटा वाला सर्किट, छोटा वाला एम्पलीफायर है, इसलिए थोड़ा साउंड ज़्यादा नहीं है, लेकिन ये अब बना सकते हैं पहले वो लर्निंग के लिए। अच्छे से सुनिए, वो फोन का जैसा ही साउंड आता है, फोन तो थोड़ा ज़्यादा है। ये है स्पीकर, आप लोग देख पाए एक छोटा वाला एम्पलीफायर बनाया हूँ। इसका बजट ज़्यादा नहीं है, आप घर में भी बना सकते हैं, 130 रुपये का अंदर कंप्लीट हो जाता है ये छोटा वाला सर्किट। अब प्रैक्टिकल करने के लिए और कुछ प्रॉब्लम हो तो हम लोगों को कमेंट करना, हम लोग इसका रिप्लाई जरूर देंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू।